हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित कुमार। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, प्रश्नावली 5.2 चल रहा था और काफ़ी दूर आ चुके थे। इसमें जो हमने पिछली जो वीडियोस बनाई थी उसमें 14 तक प्रश्न हो चुके थे, 15वां क्वेश्चन को आगे बढ़ाना था। देखिए, 15वें क्वेश्चन में एक सुधार की आवश्यकता है, बाकी आप कर लेंगे, बाकी बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं आपको 15वें क्वेश्चन में एक सुधार जो है वो बता देता हूँ कि क्या करना है, फिर आगे बात को हम बढ़ाते हैं। देखिए, 15वें क्वेश्चन में आप देख पाते हैं कि कॉस थीटा और कॉस थीटा बाय टू, 15वां क्वेश्चन, और माइनस कॉस 3 थीटा कॉस 9 थीटा बाई टू बराबर साइन 5 थीटा और साइन 5 थीटा बाई टू, ये प्रूव करना है। तो इसमें एक सुधार की आवश्यकता है, जो आप सुधार कर लेंगे तो उसके बाद ये आराम से सिद्ध हो जाएगा। आप यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 थीटा प्रयोग करेंगे और जब बाएं पक्ष की शुरुआत करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 2/2 करना होगा। ये जो बटे वाला 2 है ये बाहर ही रहेगा, इस वाले 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, इधर और इधर लग जाएगा। 2 cos थीटा 2 cos A और cos B, ये जिसका भी फार्मूला हो पाए। और अगर मैं देखूँ तो फार्मूलों की लिस्ट में 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A+B कॉस प्लस कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला होता है, ठीक है। 2 cos A cos B के बारे में अगर बात किया जाए तो ये होता है cos A+B और प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है सेम, क्योंकि दो दोनों के साथ गुणा करके 2 बार लिखा जाएगा। और अप्लाई करने के बाद जो चीज़ें मिलेंगी उसमें कुछ कटेंगी, कुछ जुड़ेंगी, और फिर उसके बाद एक बार फिर से cos C plus cos D वाला फार्मूला जो होता है वो अप्लाई होगा और उसके बाद ये आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ भी आ रही होगी बातें। आपको इसे अप्लाई करना चाहिए और काम को शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। ये काम कीजिए और उसके बाद बताइए कि आपको आंसर मिला कि नहीं। 16वें प्रश्न को बताएंगे जो कि मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि 16वें प्रश्न को करने में हमें काफ़ी समय और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी थी। तो उस प्रश्न को आइए देखते हैं, 16वां प्रश्न कैसा लगेगा, इसको आप लोग कर लेंगे। ओके, सो 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न और 17वां प्रश्न समान है। 16वें प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि यदि sin A = m sin A+2B है तो आपको सिद्ध करना है tan A+B इसके बराबर होगा 1 + m / 1 - m tan B, ये प्रूफ करना है। अब ये विशेष प्रकार के सवाल है जो विशेष तर्क पर लगती है, और उस तर्क को अब समझते हैं कि क्या है। ये यहाँ से देखेंगे आपको मिल जाएगा sin A, इसको नीचे भेज दीजिए, और आपको sin A + 2B देखने को मिलेगा और बराबर m दिखाई दे रहा है, उसके बटे 1 लगा दीजिए। ये m जो दिखा दे रहा है उसके बटे 1 लगा दीजिए, और फिर इस चीज़ पर विचार करेंगे। यहाँ पे एक विशेष रूल लगता है, यदि A/B = C/D हो तो आपको A+B / A-B ये बराबर होगा C+D / C-D। समझ में आ रही बात, समझ लीजिए। ये एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला है
जो यहाँ पे लगने वाला है क्या है कि अगर a बटे बी बराबर हो c बटे डी के, तो हम a प्लस बी इन दोनों का योगफल बटे a माइनस बी अंतर बराबर कर सकते हैं c प्लस डी और c माइनस डी बटे c माइनस डी के। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कि एक प्लस एम और बटे एक माइनस एम यहीं से निकल कर आएगा, तब हमारे पास हो जाएगा एक प्लस एम है तो एक प्लस एम बटे एक माइनस एम अगर हम करना चाहते हैं, पहले इसको लिखे फिर इसको लिखा, तो इसको आगे इसको पीछे लिखेंगे, यानी साइन ए प्लस टू बी प्लस साइन ए और बटे साइन ए प्लस टू बी बटे माइनस साइन ए, तो ये हमको लगाना था। इस प्रकार से ये विशेष तौर से लगने वाली सवाल है। तो अब जो फॉर्मूला लगने वाला है उस पर विचार किया जाए, तो कहाँ गुम हो गया, ओके मिला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी वाला, ओके साइन सी प्लस साइन डी, उसका फार्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का, ये साइन सी है साइन डी है, इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बराबर होता है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं चीज़ों को, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, टू लिख रहे हैं, साइन लिख रहे हैं, ए सी प्लस डी यानी इतना प्लस इतना बटे दो होता है, तो ए प्लस टू बी प्लस ए बटे टू मिलेगा देखने को, और कॉस सी माइनस डी यानी इतना माइनस इतना, ए प्लस बी ए प्लस टू बी सॉरी ए प्लस टू बी माइनस ए देखने को मिलेगा बटे दो होगा पूरे के बटे। इस कॉस साइन सी माइनस साइन डी वाले को अगर एक्सप्लेन करके लिखें विस्तार से लिखें तो हमें मिलेगा टू कॉस इन दोनों का योगफल सी प्लस डी होता है, यानी कि ए प्लस टू बी उसमें प्लस ए बटे दो कर देंगे, और ऐसे ही साइन के पदों में मिल जाएगा साइन सी माइनस डी यानी कि ए प्लस टू बी माइनस ए बटे टू हो रहा है। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ से दो कट जाएगा, ए और ए जुड़ करके टू ए हो जाएंगे और यहाँ पे टू बी है, यानी हमको क्या देखने को मिलेगा कि बटे के निशान लगा देते हैं और हम लिख देते हैं साइन, तो 2a प्लस 2b देखने को मिलेगा बटे दो रहेगा, और कॉस आपको मिल जाएगा a से a कट रहा है तो 2b बटे 2 दिखाई दे रहा है। नीचे वाले पे आ जाते हैं तो वही कॉस के साथ हो रहा है, कॉस 2a प्लस 2b बटे 2 हो रहा है, और यहाँ पे साइन ये वाला हिस्सा साइन a से a कट रहा है तो 2b बटे टू देखने को मिल रहा है। यहाँ से दो दो कट रहा है, यहाँ से हम काट कर दिखा तो नहीं पा रहे हैं पर कटेगा वहाँ पे भी। अच्छा मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, इस चीज़ को इस बार लिखना था वन प्लस एम बटे वन माइनस एम, तो वहाँ यहाँ पे भी वही लिखना है वन प्लस एम बटे वन माइनस एम लिखना है। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यहाँ से टू कॉमन हो जाएगा जिससे ये टू कट जाएगा और यहाँ पे साइन ए प्लस बी अकेले मिलेगा। मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, आप चाहे तो दो कॉमन ले लें, दो से कट जाएगा ए प्लस बी बचाए ऐसा लिखें, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस ए प्लस बी यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कॉस बी देखने को मिल रहा है, नीचे साइन बी देखने को मिल रहा है, इसके बराबर वन प्लस एम और वन माइनस एम हो जा रहा है। साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, टैन होता है, देखिए कोण बराबर है इस वजह से ऐसा हमने किया। कॉस बटे बी कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट बी, और ये एक प्लस एम बटे एक माइनस एम हो रहा है। इस कॉट बी को नीचे अगर हम भेज देते हैं
तो वन अपॉन मतलब टेन हो जाएगा, तो आपको ऊपर टेन सॉरी थोड़ा दूर लिखना चाहिए, आपको टेन ए प्लस बी देखने को मिल रहा है और कॉट को हमने बदल दिया टेन में, लेकिन नीचे भेजने के बाद। और आगे वाला लिख लिया, इस टेन बी को उधर भेज देंगे तो टेन ए प्लस बी बराबर वन प्लस एम बटे वन माइनस एम, और यहाँ पे आपको टेन बी देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, जो कि हमें प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। और ये अलग तरीके की सवाल है जो लगती है बिल्कुल विशेष तरीके से, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या लॉजिक है कि यहाँ से क्यों शुरू किया जा रहा है, तो कैसे भी करके आंसर तो पहुँचना था तो पहुँच गया है, अब ऐसे ही सही। वैसे मैं आपको बता दूँ कि 17वां क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे ही है। प्रश्न संख्या 17 की बात की जाएगी तो कॉस के पदों में दिया गया है और सेम ऐसे ही है, और वन प्लस वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम कॉट थीटा का मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा अंतर देखा था, वही मैं खोज रहा हूँ कि मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ। ओके तो क्या मिला था, तो इसको सॉल्व करने के बाद वन माइनस एम कॉट थीटा, सर कॉट फाई है क्या? ओके मैंने कुछ गलतियां की हैं क्या? और हाँ जी, तो बता दिया जाए कि जैसा भी किया गया है आप वैसा ही करें, कोशिश करें उत्तर लाने की और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया के दौरान गुजरना होगा, उसमें भी सेम वही थ्योरी यही लगेगी, और इसकी वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करें इसके ज़रिए। यानी देखें भाई, ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर ऐसा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी और सी प्लस डी और सी माइनस डी, यानी इधर जो हो रहा है ऊपर वही इधर ऊपर होना चाहिए, जो नीचे हो रहा है वही नीचे होना चाहिए। और हमने वन प्लस एम किया था चूँकि हमारे पास ऐसा था, तो वन प्लस एम किया था इतना प्लस इतना किया, नीचे वन माइनस एम किया है तो वन माइनस एम है तो इतना माइनस इतना किया है। तो उसी प्रक्रिया के दौरान आपको गुजारना है। इसमें हमने हल किया था तो हमारा उत्तर एक आया था, हालांकि उत्तर में टेन कुछ टेन दिया गया है, कोई बात नहीं है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, जैसे भी मिलेगा आप बताइएगा। सो दोस्तों, जो 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो काफ़ी मतलब दिलचस्प है, हालांकि ये भी उन्हीं 16-17 वाले सवाल की तरह ही लगने वाली है, आपको लगेगा नहीं कि ऐसा ही लगेगा पर लग रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है वो पहले लिखते हैं, और आपको कॉस ए प्लस बी और साइन सी माइनस डी बराबर और कॉस ए माइनस बी और साइन यहाँ पे क्या है सी प्लस डी, अगर ये दिया गया है तो हमें सिद्ध करना है टेन बी टेन सी प्लस टेन डी बराबर ज़ीरो, ये प्रूव करना है। तो हम पहुँचेंगे वहाँ तक, पर रास्ते बदल बदल के, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो यहाँ से क्या करते हुए। ज़्यादा कुछ विशेष काम नहीं है, बस कॉस के नीचे कॉस वाला, जैसे ए प्लस बी है तो ए माइनस बी वाला, इसके नीचे रखते हुए सी डी को उधर ले जाते हुए, तो हमको यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बटे कॉस ए माइनस बी देखने को मिलेगा, और साइन सी प्लस डी और इसके बटे साइन सी माइनस डी देखने को मिलेगा। अब फिर से वही पुरानी तकनीक, यदि ए प्लस ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो वही वाला,
इतना प्लस इतना लिखेंगे एक बार, इतना माइनस इतना लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तब कॉस ए प्लस बी, इतना प्लस इतना, कॉस ए माइनस बी, इसके बटे क्या होगा, इसके बटे होगा क्या रखने वाले हैं, कॉस ए प्लस बी, इसमें से घटाने वाले हैं कॉस ए माइनस बी को, बराबर के उस पार आते हैं। यहाँ पे साइन सी प्लस डी, ए वाला प्लस, इसको लिखेंगे प्लस साइन सी माइनस डी, बटे आएंगे साइन सी प्लस डी और माइनस साइन सी माइनस डी। तो ये कहाँ से बनाया, अपने उसी तकनीक से जिससे हमने पिछले वाले सवाल में किया था। अगर पिछले वाले सवाल में जो आपने किया था वो समझ में आ गया तो इसमें भी समझ में आ ही गया। अब समझ में आ गया है तो इसमें थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं, क्या लग रहा है फार्मूला, फार्मूला की लिस्ट बना के रखें साथ में, आपको दिखाई दे जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसके बराबर होता है अपना टू कॉस ए कॉस बी बटे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी वाला कोई फार्मूला नहीं होता है, ये वाला पीछे हो ये वाला आगे हो तब फार्मूला होता है। तो अगर इसको आगे पीछे करेंगे तो माइनस कॉमन लेना होगा, यानी अब माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये वाला हिस्सा आगे लिखा जाएगा कॉस ए माइनस बी, और ये वाला पीछे लिखा जाएगा यानी कॉस ए प्लस बी। बस आपको बताने भर के लिए हमने इसको दोबारा लिखा, नहीं तो हम डायरेक्ट माइनस वाला आंसर लिख देते काम हो जाता। इधर की ओर आ जाते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला जो लगता है यहाँ पे सी प्लस डी में लगेगा। तो यहाँ पे टू साइन सी और कॉस डी रखा जाएगा, नीचे आ जाएंगे माइनस वाले फार्मूला को अगर देखें तो मिल रहा है, और यहाँ पे टू कॉस सी और साइन डी रखने की बात ही आ जाती है, ठीक है। फार्मूला यही चल रहा है, यही रखेंगे फिलहाल। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे साइन, इसको काट देते हैं और यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो दिखाई दे रहा है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस बी वाले से, इस वाले से आपको मिलता है क्या, कॉस में माइनस वाले से मिलता है टू साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे ऊपर टू कॉस ए कॉस बी देखने को मिल रहा है, नीचे माइनस टू साइन ए साइन बी साइन बी देखने को मिलेगा। उधर की ओर आ जाते हैं, इधर साइन सी कॉस डी है बटे कॉस सी साइन डी है। तो यहाँ से काट देते हैं, ये माइनस यहाँ पे बचा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, हालांकि तिरछा उरछा गुणा करते वक्त कहीं ना कहीं तो प्रयोग हो जाएगा। तो कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए होता है, तो यहाँ पे लगाते हैं कॉट ए, माइनस रहेगा कॉस बी अपॉन साइन बी, यहाँ पे भी तो कॉट बी ही होगा। यहाँ पे आएंगे साइन सी अपॉन साइन कॉस डी, मतलब यहाँ पे टेन सी हो रहा है, और यहाँ पे कॉस डी अपॉन साइन डी बराबर कॉट डी हो रहा है। थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी लोग टेन में हैं, तो कॉट को टेन में थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, ये कॉट बराबर वन अपॉन टेन, ये हो जाता है क्या फ्रेम में है, नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बराबर क्या लगाएं, कोई मतलब नहीं है, माइनस लगाते हैं। इस कॉट ए को लिख रहे हैं वन अपॉन टेन ए, टेन ए, इसको लिख रहे हैं वन अपॉन टेन टेन बी, बराबर के उस पार जाते हैं, टेन सी ऊपर है तो उसको टेन सी ही रहने दो, ये जो कॉट डी है उसको नीचे भेज दो ताकि उसको टेन डी बनाया जा सके। तिरछा गुणा करेंगे, इधर गुणा कराएंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, टेन डी ऊपर जाएगा तो माइनस में टेन
डी देखने को मिलेगा। ये दोनों ऊपर जाएंगे तो टेन ए टेन बी टेन सी सब साथ में जाएंगे, यानी टेन ए टेन बी और टेन सी साथ में आ जाएंगे। इस माइनस वाले टर्म को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो आपको टेन ए टेन बी और टेन सी देखने को मिलेगा, साथ में ये प्लस में टेन डी भी आपको मिल जाएगा और इसके बराबर कुछ नहीं है तो ज़ीरो है। तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया 18वां क्वेश्चन। प्रक्रिया थोड़ी सी गंभीर थी पर चीज़ों तक आप पहुंच पाए हैं और ये आंसर मिल चुका है। अब 19वें प्रश्न में हम चलने वाले हैं। 19वें प्रश्न में किसी भी बदलाव की आवश्यकता कुछ भी जान नहीं पड़ती है, हालांकि आपको फार्मूला देख लेना है और काम हो जाना है। 19वें प्रश्न को लिखते हैं तो हम देख पाएंगे कि आपको साइन ए माइनस बी देखने को मिल रहा है और प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस लिखा था, अच्छा इसमें हमने बदलाव किया है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, आपको प्लस इसमें रखना है तभी ये प्रूव हो पाएगा, अन्यथा ये सिद्ध होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे बाएं पक्ष के साथ शुरुआत करेंगे, बाएं पक्ष के साथ शुरुआत करेंगे तो आप यहाँ पे साइन ए माइनस बी और इसको अगर पास में लिख देते हैं तो एक बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। प्लस साइन ए बटे यहाँ पे कॉस के टर्म में आते हैं तो कॉस ए प्लस बी लिखा है, सॉरी माइनस वाला लिखा है, और यहाँ वाला इसका भी पास में रखते हैं तो कॉस ए प्लस बी देखने को मिलेगा प्लस कॉस ए देखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है कि मुझे नीला मार्कर ले लेना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी ये बहुत सिंपल सा फार्मूला लगने वाला है, टू साइन सी प्लस डी यानी इन दोनों का योगफल, या फिर इन दोनों के लिए सीधे सीधे फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये साइन ए कॉस बी का डायरेक्ट फार्मूला है, प्लस साइन ए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अगर देखा जाए कॉस प्लस वाले में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी ये वाला आगे रहे ये वाला पीछे रहे, हम आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं क्योंकि प्लस लिखा है तो कोई चिन्ह की बात नहीं है। ये जो जो दिखाई दे रहा है ये सीधा फार्मूला है टू कॉस ए कॉस बी का और यहाँ पे प्लस कॉस ए दिखाई दे रहा है। अब बस इसमें कुछ करना है नहीं क्योंकि ये हो चुका है, क्या हो चुका है, इन दोनों भागों में से साइन ए कॉमन हो रहा है तो हमने यहाँ पे साइन ए कॉमन ले लिया और क्या दिखाई दे रहा है, टू दिखाई दे रहा है, कॉस बी दिखाई दे रहा है, प्लस वन दिखाई दे रहा है बटे यहाँ फिर कॉस ए दोनों में दिखाई दे रहा है। अगर हम कॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो टू दिखाई दे रहा है और कॉस बी प्लस वन दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा टर्म कॉमन हो रहा है, बराबर हो रहा है, कट जाएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए दिखाई दे रहा है, हालांकि इसे लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट लिख देते कॉट तब पर भी हो जाता, कॉस ए है तो साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है, यहाँ पे कॉस ए है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट टेन ए लिख सकते हैं जो कि आर एच एस के बराबर हो गया, अगर आप इसे एल एच एस लेकर के मानते हैं तो बाय एल एच एस चला आर एच एस के बराबर आ गया। और इस प्रश्न में तो कुछ ज़्यादा विशेष था भी नहीं, एक छोटा सा फार्मूला लग रहा था, वो भी कहाँ लगेगा कैसे लगेगा वो आपको सही से समझ लेना होगा ताकि आप लगा सकें, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, तो एक बार आपको बोल दिया जाए लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए, क्योंकि आपको शेयर और लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़ के रखे हैं अगर आपको उनको उनमें कोई समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट की भी आपकी ज़रूरत है और अगर नहीं आएगा तो उस पर विशेष वीडियो अलग से आ जाएगी। फ़िलहाल 19 नंबर क्वेश्चन हो चुका है और 20 नंबर क्वेश्चन को भी हमने हल किया था और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्नावली काफ़ी मुश्किल रही है मेरे लिए,
और क्योंकि प्रश्न बहुत मुश्किल से आ रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। जब प्रश्नावली आसान पड़ेगी तो हम तेज़ी तेज़ी चलेंगे, फिलहाल धीरे धीरे चलने दीजिए। और इतनी भयंकर नींद आने लगती है, रात में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लगभग 11 बज रहे हैं और इस समय नींद चरम सीमा पर रहती है अपने, तो इतनी तेज़ नींद आ रही होती है कि वीडियो बनाते नहीं बन रहा होता है, लेकिन फिर भी अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं पर बोलते रहते हैं, आवाज़ में चलता रहता है, बट चेहरा जब दिखाते हैं ना तो चेहरे पर उदासी से छाई रहती है। उदासी का मुख्य कारण ये भी है कि इतने सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और सक्सेस जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। बड़ा दर्द होता है बट उस दर्द को कम किया कैसे जाए, आप लोगों के सहयोग से ही चीज़ें सुलभ हो पाएंगे, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। फिलहाल आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, तो वो देखेंगे कि क्या है, कैसे किया जाएगा। वैसे आप लोग सहयोग कर रहे हैं तभी तक इतने, इसी वजह से इतने मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करवाइए, बस यही हमारी चाहत है आप लोगों से। लोगों आप लोग शेयर किया कीजिए तो ज़्यादा कुछ बेहतर हो पाएगा, संभावना यही है। 20 नंबर क्वेश्चन में भाई देखो एक छोटी सी कमी है कि इस क्वेश्चन को हल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब जब हमने इसको देखा कि समझ में नहीं आ रहा तो फिर नेट पर सर्च किया तो इसमें एक चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश ऐड करना होगा, उसके बाद आप इसे प्रूव कर पाएंगे। साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर 4 कॉस a कॉस b और साइन c, ये प्रूव होगा। ये तभी प्रूव होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश हो, अन्यथा इसे सिद्ध करना असंभव है और कोई भी चीज़ संभव नहीं होगी। तो आइए चलिए LHS के साथ शुरुआत करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड से, LHS लेफ्ट हैंड साइड से अपने साइन 2a है प्लस साइन 2b है माइनस साइन 2c है, तो यहाँ पे देखेंगे जो प्लस वाला मटेरियल है उसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, मतलब साइन सी प्लस साइन डी कर लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, जो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि 2a प्लस 2b बटे 2 और कॉस सी प्लस डी सी माइनस डी, यानी कि 2a माइनस 2b बटे 2 और माइनस माइनस लगाने के बाद जो अपने पास ये दिखाई दे रहा है साइन 2c, इसमें थोड़ा सा विस्तार करेंगे। ये होता क्या है कि साइन 2θ बराबर होता है 2θ बराबर होता है 2sin θ और cos θ होता है, तो यहाँ पे भी लगा देंगे तो 2sin c और cos c बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 कॉमन होगा, 2 से भाग हो जाएगा तो 2sin, यहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा, 2 कट जाएंगे और a प्लस बी अकेले बचेगा, a प्लस बी बचेगा और कॉस में आते हैं तो a माइनस बी देखने को मिलेगा और 2sin c, और यहाँ पे कुछ बदलाव करना है अभी तो नहीं, साइन सी और कॉस सी एक छोटा सा बदलाव यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो a प्लस बी की जगह a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है, तो अगर आप यहाँ पे a प्लस बी को रखेंगे तो 180 माइनस सी हो जाएगा, तो वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया गया है, 2 लिखा गया है साइन 180 माइनस सी हो गया है यहाँ से, और कॉस a माइनस बी वाला फार्मूले में कुछ लगाएंगे नहीं क्योंकि इसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, और माइनस 2 साइन सी
कॉस सी रहने देते हैं। अब यहाँ पे साइन 180 माइनस सी, ध्यान से देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा अपने दूसरे चतुर्थांश में रहता है, जहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, तो ये साइन जो होगा वो भी प्लस में रहेगा और ये दूसरे चतुर्थांश में रहेगा, तो कोण बड़े आराम से बदल जाएगा, यानी टू रहेगा और यहाँ पे साइन सी अकेले मिल जाएगा। ठीक है, साइन सी अकेले क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, 180 पे होने की वजह से साइन बदलेगा नहीं और ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से साइन प्लस में ही रहेगा। और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी जो दिखाई दे रहा है रहने देते हैं, माइनस टू, तो यहाँ पे साइन सी है और कॉस सी है। अगर ध्यान से देखें तो टू साइन सी कॉमन हो रहा है, जो कि हमको कॉमन लेना है, टू साइन सी कॉमन हो रहा है और कॉमन होने के बाद क्या बच रहा है, कॉस ए माइनस बी बच रहा है और माइनस में यहाँ पे शायद कॉस सी बच जाएगा, साइन सी है तो कॉमन लिया है, तो यहाँ पे कॉस सी बच जाएगा, इतना बच गया। इतना बच जाने के बाद अभी क्या करना है कि कुछ बदलाव फिर से करने हैं, और वो बदलाव होने वाले हैं इस सी में, ध्यान से समझेंगे। सी में क्या बदलाव करने हैं हमें, फिलहाल इसको लिख लेते हैं टू साइन सी, ब्रैकेट लगा लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं, ए प्लस ए माइनस बी लिख लेते हैं, इतना तक तो सही है, माइनस लिख लेते हैं, और सी के बराबर क्या होगा थोड़ा सा समझेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो अगर सी को यहीं रहने देंगे तो वो 180 माइनस ए प्लस बी ऐसा कोष्टक में मिल जाएगा, तो इस सी की जगह पे वही 180 माइनस ए प्लस बी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉस और 180 माइनस ए प्लस बी, थोड़ा सा कोष्टक बंद करना पड़ेगा, तो इतना काफ़ी है। अब कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में ले जाता है, जहाँ पे कॉस तो नहीं बदलता है पर दूसरे चतुर्थांश में होने की वजह से इसका चिन्ह यहाँ वाला बदल जाता है, और बदल जाने के बाद क्या होता है वो अब हम ऊपर लिखेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अपना जो टू साइन सी है रहने देते हैं, यहाँ वाला भी पार्ट रहने देते हैं, जो कि कॉस ए माइनस बी है, माइनस लगाते हैं, सॉरी अपनी अभी आपने देखा कि 180 माइनस थीटा जो होता है कॉस में, वो दूसरे चतुर्थांश में जाती है, तो वो माइनस में हो जाएगी और इस वजह से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक माइनस इससे निकलेगा, एक माइनस इसके पास है, दोनों माइनस में लेकर के प्लस हो जाएंगे, कॉस नहीं बदलेगा, ये कॉस ही रहेगा और सामने ए प्लस बी लिख दिया जाएगा, ए प्लस बी कोष्टक बंद हो गया। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे एक फार्मूला लग रहा है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी वाला, और इसके बराबर देखिए पहले बात तो यहाँ पे टू साइन सी है, इसको रहने देते हैं, और इसके बराबर डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, वो मिलेगा कॉस ए और कॉस बी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक तो टू भी था यार, टू भी आएगा, ये दो नहीं हो जाएगा चार, और कॉस ए कॉस बी और साइन सी देखने को मिल रहा है, जो कि आरएचएस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, मिल गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो रहे हैं, सभी को पर्चे में लिख कर रखना पड़ रहा है, और बाकी सारी समस्याएं मैंने आपको बताई। खैर फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे लगातार, जहाँ तक आसान क्वेश्चन हो पाते हैं वहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ, जहाँ पे मुश्किल हो जाते हैं तो वहाँ पे पर्चा बनाना पड़ता है, हालांकि सारे क्वेश्चन मैं खुद ही करता हूँ, या फिर कभी गलती होती है तो उनको देख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो ज़्यादातर सवाल तरीके देखते हैं, उसके बाद हर एक सवाल पूरी छापते नहीं हैं, बट यहाँ पर तो छापना ही पड़ रहा है। खैर जैसा भी है आपके सामने है, अब आपको कैसा लगता है वो आप बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।